हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप हमारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं ओके okay, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देख भी रहे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं क्वेरीज भी पूछ रहे हैं कमेंट भी कर रहे हैं मैसेजेस भी कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहिए इसलिए सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए नए आए हैं तो बेल आइकन को हिट और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें आपको वीडियो मिले और हम इस वीडियो में बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम अगर मैं आपको बताऊँ एग्जी इफसिया लाइफ लिमिट, केयर लिमिटेड इफसिया लाइफ केयर लिमिटेड इस कंपनी का नाम है ओके आज के दिन में यहाँ पर अपर सर्किट देखने को मिला है ओके और ये शेयर बताने के पीछे क्या रीजन है इस वीडियो में बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करते हुए नजर आएंगे कुछ और चीज फंडामेंटल्स के कंपनी के जानेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा बाई

जिसे यूज करके यहाँ पर देखिए अच्छा पैसा बनाया जा सकता है और इसी स्ट्रेटेजी के बेस पे आज का ये स्टॉक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ और दो स्टॉक्स आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे रखे है इन स्टॉक्स से रिलेटेड यहाँ पर आपको बताया था और बत, वीडियो में बताया था गिरावट होगी तो वही गिरावट होती हुई नजर आई ये शेयर उठा लीजिएगा ओके अभी मौका है और यहाँ पर ये स्टॉक्स तो यहाँ पर इन्हीं से रिलेटेड बातें करते रहते हैं बट इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ केयर लिमिटेड तो कंपनी करती क्या है उससे रिलेटेड जान लेते हैं तो इंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ केमिकल एग्री एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस एंड वेरियस अदर प्रोडक्ट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड यह कंपनी काम करती हुई नजर आती है अगर बात करें कोड ड्राइव से 100% ऑफ इट्स रिवेन्यू फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ एडिबल ऑय फार्मा बल्क और ड्रग्स सच एज ब्लास्टाइन और ये जो जितने जितने केमिकल्स नेम है इंडस्ट्रियल केमिकल्स से रिलेटेड ये कंपनी और एडिबल ऑयल में भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है ट्रेडिंग ऑफ एडिबल करती है एपीआई फैसिलिटीज में ये एक कंपनी एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रीडियंट में कंपनी काम करती हुई नजर आती है इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट्स भी कंपनी यहाँ पर लॉन्च होते रहते हैं आर एंडी में कंपनी काम करती हुई नजर आती है लगभग पच्चीस तीस करोड़ रुपए यहाँ पर टर्न ओवर यहाँ पर इन्होंने आता हुआ दिखाया है सेम विल बी कंट्रीब्यूटेड ट्वेंटी करोड़ टू टर्न ओवर पर ईयर इसके अलावा चेंज ऑफ द नेम यहाँ पर पहले इस कंपनी का नाम कैविट इंडस्ट्रीज था ओके जो नेम चेंज हो एविक्सिया लाइफ केयर हो गया इसके अलावा सब्सिडीज की बात करें तो को सब्सिडीज और कैबिटल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड की यहाँ सब्सिडी है, है इंटरेस्ट फ्री लोन है तो कंपनी है ग्रांटेड इंटरेस्ट फ्री लोन यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जो यहाँ पर आप देख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा किस तरीके से इन्होंने दिया था ये आ, ऐसी लोन बांटते रहते हैं यहाँ सेवेंटी करोड़ का लोन दिया था ओके वो यहाँ पर इन्होंने आई थिंक राइट ऑफ भी कर दिया है तो यहाँ सब चीज से रिलेटेड यहाँ पर कंपनी के दे रखा है अब कुछ पॉइंट्स देखिए कंपनी ने दो है 2021 में बोनस दिखाई किया और कंपनी का शेयर प्राइस अभी चल रहा है लगभग पांच के आसपास तो कंपनी के फाइनेंशियल पर यहाँ पर चले जाते हैं सबसे पहले ये एक पेनी स्टॉक्स है तो इसे पेनी स्टॉक्स की तरह ट्रीट करिएगा इतना ही पैसा इन्वेस्ट करिएगा कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की अगर ये शेयर पैसा डूबता हुआ भी नजर आता है तो आपको किसी तरीके का घबराहट ना हो, अगर ये शेयर हो जाता है तो आपको डरना लगे इस चीज को याद रखिएगा मैं ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहता हूँ आज की डेट में मैंने पर ये पर्टिकुलर शेयर ली है क्योंकि काफी दिन से मेरी नजर थी और कि, क्यों, नजर किस कैसे बनाई जाती है उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी है ये वीडियो देखेंगे ओके आप नोट डाउन करके रखेंगे चीजों को तो आपके पास भी ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स मिलेंगे आज दो स्टॉक्स थे जो एक मेरी नजर से चूक गया ओके और उसमें अपर सर्किट उसमें भी लगता हुआ नजर आया ये रह गया था ये मेरे को मिल गया था इसके अलावा मार्केट कैप की बात करें वन करोड़ रुपए का मार्केट कैप है पी की बात करें इंडस्ट्री का अट्ठाईस है तो इसका दो सौ इकतीस का है तो मतलब कहीं ना कहीं महंगा नहीं बहुत महंगा है आरओसी आरओई बिल्कुल बढ़िया नहीं है बेकार है बट यहाँ पर देखिए डेट फ्री कंपनी है ओके okay, इसके अलावा जो बुक वैल्यू है उससे लगभग तो खासी इसमें दिखाई दी लगभग तीस रुपए तक ये शेयर गया और एक अच्छी खासी लगातार गिरावट थी और गिरावट के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लेके चीजें ऊपर जाती हुई नजर आ रही है और जब ऐसे सपोर्ट लेके चीजें ऊपर जाती है मुझे फैसिनेट करती है ऐसी चीजें यहाँ पर शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा बनता है इसके अलावा शेयर को लेने के पीछे का रीजन क्या था शेयर को लेने के पीछे रीजन था इसके रिजल्ट स्टैंडर्ड ऑन रिजल्ट देखिए सेल्स कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ी है ओके okay, और इस बार की जो सेल्स है 19 करोड़ तैतालीस uh, लाख के आसपास है जो कि क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे अच्छी खासी है प्रॉफिट की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें अट्ठासी लाख का प्रॉफिट अच्छा है और इयरली तो बेसिस का जो चार का माइनस में पॉजिटिव है, यहाँ पर है और इस बार का, और फोर था लास्ट क्वार्टर में तो ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छा खासा है नेट प्रॉफिट की बात नेट प्रॉफिट इसका नेगेटिव है जस्ट बिकॉज यहाँ पर कंपनी का थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया था तो यहाँ और 8 लाख के आसपास इन्होंने सॉरी यहां पर इंटरेस्ट देना पड़ गया था और इस इंटरेस्ट की वजह से और यहां पर आ, इनका जो टैक्स है इस बार का वो टैक्स भी ज्यादा होता हुआ नजर आया जिस वजह से यहां पर कंपनी का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नेगेटिव आया ओके जो कि इयरली क्वार्टरली बेस पर कम है आ, यहां पर बेकार परफॉर्मेंस है बट यहां पर मेन चीज आती है मार्जिन ये चीजें तो घटती बढ़ती रहती है ओके अदर इनकम टैक्सेस वगैरह बट यहाँ पर अगर देखे तो ये मेन चीज होती है और यही अच्छा आ जाता है तो ये समझिए सब कंपनी अच्छी खासी है यहाँ पर सेल्स की बात करें सेल्स कंपनी की लगातार यहाँ पर बढ़ी थी इसके बाद यहाँ पर हम देखे तो लगातार घटती हुई नजर आई बट अगेन बढ़ती हुई नजर आ रही है तो यहाँ पर हर्डल्स आते रहते हैं बीच में कभी ऊपर कभी नीचे इस तरीके से नेट प्रॉफिट की बात करें नेट प्रॉफिट यहाँ पर 2020 तक अच्छा खासा आया था 21 बाईस में लगातार यहां पर कम होता हुआ नजर आया इसी की वजह से अगर मैं आपको दिखाऊं तो शेयर प्राइस इस तरीके से गिरता हुआ नजर आया है क्यों क्योंकि रिजल्ट ही अच्छे नहीं आ रहे ओके okay, दो में अच्छे रिजल्ट आए शेयर टॉप पे था बेकार आना शुरू हुए शेयर गिरता हुआ नजर आया बैलेंस शीट की बात करें रिजर्व अठारह करोड़ के आसपास है बोराइंग केवल फाइव करोड़ की है यहां पर देखिए वर्किंग प्रोग्रेस में दो करोड़ तेरह

काफी सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए तो इस कंपनी में काफी सारी मतलब बहुत सारी चीजें अच्छी खासी होती हुई दिखाई दे रही है प्रमोटर्स की होल्डिंग फोर्टी थ्री परसेंट है एफ लगातार यहाँ पर माल बेच रहे हैं

चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा कि इस शेयर को लेने के पीछे का रीजन क्या है एज वेल एज रीजन तो मैंने आपको बता दिया ओके okay, एक रीजन तो यही था कि इसके नंबर्स जो कि यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे दोनों बेसिस पे अच्छे खासे आते हुए दिखाई दिए थे जो नंबर अच्छे आते हैं और जब चार्ट बता रहा हो चार्ट भी कह रहा हो कि हाँ अच्छे यहाँ पर चीजों को भागना है तो ऐसी चीजों को यहाँ पर क्या करना चाहिए ऐसी चीजों को यहाँ पर पकड़ देना चाहिए देखिए कोई भी चीज लगातार गिरावट नहीं होती ऊपर जाती रहती है तो देखिए यहाँ पर लगातार एक तो गिरावट थी ओके okay, यहाँ पर लगातार गिरावट लगातार गिरावट ओके okay, यहाँ पर 2020 से लगातार चीजें आज नीचे आ की तरफ आती है और यहाँ पर जब नंबर अच्छे आ गए है

आ uh, मुझ uh, मैं इस uh, इसमें जो इन्वेस्टेड हूँ मैं कभी मैं इसमें इन्वेस्टेड यहाँ तक के लिए नहीं हूँ ओके okay, इतने रिटर्न मुझे नहीं चाहिए ओके okay, मैं इतने लंबे टारगेट यहाँ पर रखता नहीं हूँ मैं छोटे छोटे टारगेट रखता हूँ बीस परसेंट के टारगेट रहते हैं मेरे क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस पे और साल के परस के चालीस परसेंट के मेरे टारगेट रहते हैं बस ज़्यादा मेरे को नहीं चाहिए तो यहाँ पर ये शेयर सिक्सटी तक साफ दिखाई देता है बस मैं सिक्सटी का वेट नहीं करूंगा ओके तो स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खेलेंगे और यहाँ पर मैं इसे लगभग चालीस के यहाँ यहाँ तक आ जाएगा थर्टी के आसपास तो यहाँ पर बेचने की कोशिश करूंगा और अगर और भी भागता हुआ नजर आया तो यहां पर मैं निकल क्यों? क्योंकि मेरी सिंपल रहती है मैं इतना हम ना बेच पाए और सीधे सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आए तो वो चीजें हमें समझनी पड़ेगी सेम होता हुआ दिखाई दिया था बजाज हिंद की तरफ बजाज हिंद में क्या हुआ ऊपर भागा जब तक ऊपर भाग रहा था एक आध दिन हमने वेट किया और दिख रहा था कि भाई अब गिरेगा तो हमने यहाँ पर चुपचाप निकल गए थे चुपचाप और यहाँ पर से भी देखे, तो 15 -20 की आज तक लोअर सर्किट लग रहा है का पर लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है इसी तरीके से ट्रेड लिया था सेम हमने यहाँ पर टीवी एटीन में यहाँ पर ट्रेड लिया था सेम हमने यहाँ पर नेटवर्क एटीन में यहाँ पर ट्रेड लिया था हमारे पंद्रह से बीस के पच्चीस के तीस के टारगेट अचीव हुए हम चुपचाप यहाँ पर निकल गए ना ज्यादा लालच ना ज्यादा मोह ओके हमें इससे मोह भी नहीं लगाना चीजें लिए चीजें हमें बेचनी भी है और खरीदनी भी है इसी को अगर आप समझेंगे तो पैसा बनाते हुए निकाल देंगे वरना पैसा तो आपका बनेगा एक टाइम पे बट तो उसके बाद घटता हुआ नजर आएगा तो ये गलतियां मैंने पहले बहुत करी है ओके और इन गलतियों से सीखा है तो इसलिए ज्यादा के पीछे नहीं भागना ओके और कम भी नहीं लेना हमारी टारगेट है उसी हिसाब से फॉलो करते रहिए मेहनत करिए 20 साल तक 20 साल तक मेहनत कर लीजिए याद रखिए 10 लाख रुपए ओके अगर 20 परसेंट के हिसाब से बढ़ते हैं 100 करोड़ रुपए 40 परसेंट के हिसाब से बढ़ते हैं तो सात 800 सौ करोड़ रुपए बनते हैं तो इतना पैसा मिल रहा है क्या कम है तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियर एडवाइजर खुद की स्टडी करना है चीजों को सीखने की कोशिश करना समझने की कोशिश करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पर हिट और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर करिएगा क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा इस इन नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच कॉड ब्लैस